डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली यू विल बी ग्रेटली प्लेस विद हेल्थ एंड इंजॉइंग गुड हेल्थ। एंड आई होप दैट यू हैव लर्न द प्रीवियस लेक्चर्स एंड द प्रीवियस लेसन प्रॉपरली एंड प्रिपेयर इट केयरफुली एंड ऑल्सो प्रैक्टिस इट केयरफुली एंड प्रॉपरली। ओके, इन टूडेज आवर एक्टिविटी ऑफ द टॉपिक माई क्लासमेट्स एंड द एक्टिविटीज वर्ड सेंटेंसेस। हेयर इज़ अ नोट नोट मोहतरम वालदैन, बच्चा मंदरजा ज़ैल दिए गए जुमलों के अलावा ख़ुद से भी जुमले बना सकता है। डियर स्टूडेंट्स, दीज सेंटेंसेज आर जस्ट फॉर शोइंग दैट हाउ सेंटेंसेज कैन बी मेड बाई यूजिंग दीज वर्ड्स। पॉइंट नंबर वन, इन्वाइट। माई प्रिंसिपल इन्वाइटेड माई पेरेंट्स फॉर द सेरेमनी। नेक्स्ट वन इज़ द परफॉर्मेंस। इन्वाइट मीन दावत देना, परफॉर्मेंस मीन कारकर्दगी। द वंडरफुल परफॉर्मेंस इन एग्जाम्स मेड हिम फील प्राउड। इम्तहानात में शानदार कारकर्दगी ने उसे उसे फ़ख्र महसूस हुआ। कंसल्ट मीन किसी से राबता करना या मशवरा करना। वी शुड ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर बिफोर टेकिंग एनी मेडिसिन। हमें कोई भी मेडिसिन लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए। मेलोडियस मीन शानदार, खूबसूरत या शीरी। ही रिसाइटेड सूरह रहमान ब्यूटीफुली इन हिज मेलोडियस वॉइस। उसने सूरह रहमान की खूबसूरत तलावत की अपनी शीरी आवाज़ में, मीठी आवाज़ में, सुरीली आवाज़ में। Contest we can science presentation contest was held in our school recently. हमारे स्कूल में recently यानी कि हाल ही में, यानी कि कुछ अर्सा पहले science presentation का एक contest हुआ, मुकाबला हुआ। Next activity is about the worksheet. Activity worksheet, grammar skills, definition of present tense, attense, expressing an action that is currently going on or habitually performed or a state that currently or generally exist. ऐसा टेंस जो ये बताता है कि मौजूदा ज़माने में क्या हो रहा है, और ऐसा काम जो हम habitually करते हैं, regular basis के या habit के तौर पर हम इसको perform करते हैं, और या कोई एक ऐसी सिचुएशन को जाहिर करता है। ओके, हियर वी हैव द सम सेंटेंसेस रिगार्डिंग दिस। नोट, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स काइंडली टेक हेल्प फ्रॉम बुक पेज नंबर 3 टू गिव कंसेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब। एंड काइंडली मोटिवेट आवर चाइल्ड टू डू प्रैक्टिस बिफोर सॉल्विंग द फॉलोइंग वर्कशीट। Respected parents, you can take the help from book page number for guiding our child. And I also shared a lecture on this topic, that is the present, indefinite, present, simple. You can, and I hope that you have understood that lecture properly. Here is some sentences, fill in the blanks with present tense. We want to buy new clothes on every day. Rich people spend money on poor. Always speak the truth. My friend never tells a lie. Present tense में क्या है, हम verb की first form को use करते हैं। Verb की first form क्या है, present form को हम use करते हैं। Subject, present form of verb, then object. My friend never tells a lie. He gives me an apple daily. I brush my hair regularly. She gives me a bunch of grapes. Our team plays better than theirs. Water reaches its surface level. The sun rises in the east. This is the part one that you have to fill with the forms of the verb that is given here. And you have to practice it carefully.
Okay, next we in this activity we have some more sentences. Select present form of verb and fill in the blanks. We have to choose the present form of the verb from these sentences, from these words. You will not use the noun. Noun kya hai? Noun is the name of a person, place or thing. Like the kitten, water, picture, chair, wisdom, house, hungry. ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपने यूज़ नहीं करने. आपने कुछ वर्ड्स जो हैं, जो वर्ब हैं, उनकी प्रेजेंट फॉर्म यूज़ करनी है. लाइक द वर्ड आई ईट एन एप्पल डेली. Aziz writes letter to his cousin. We go to the playground after school. The boy sings a sad song. My sister plays with toys. Rehan buys a gift for his mother. She stops her bicycle on the sideway. Sideway is a place that is on the यानी कि road पर जो एक side का जो रास्ता है, यानी कि side का जो किनारा है, दूसरा end है, उसको हम sideway कह सकते हैं. हिना यूजली अराइव्स ऑन टाइम. हिना आमतौर पर वक्त पर आती है. ही प्लेज फुटबॉल. वो फुटबॉल खेलता है. शी इज़ हंग्री. वो भूखी है. पॉइंट नंबर 11. ही बायज गेट्स मिल्क एवरी मॉर्निंग. वो रोज़ाना खरीदता है, हर सुबह दूध खरीदता है या वो हासिल करता है. आई टेक अ कप ऑफ कॉफ़ी डेली. मैं एक कप ऑफ टी डेली लेता हूँ या लेती हूँ. नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू डू इट केयरफुली. क्या आपको ये पता होना चाहिए कि इस वर्ड में, इस फॉर्म ऑफ वर्ब में, इन ब्लैंक्स में कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होनी है और कैसे यूज़ होनी है. एस के साथ यूज़ होनी है या विदाउट एस यूज़ होनी है. ये आपने केयरफुली प्रैक्टिस करनी है. नेक्स्ट वी हैव द अंडरलाइन द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. इस पार्ट में क्या करना है, अपने वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म को अंडरलाइन करना. इट्स वेरी इजी. आई सिंग अ सॉन्ग. मैं एक लाइक द आई सिंग अ सॉन्ग. ही ड्रिंक्स वाटर. दे रीड लेसन्स. बट चिर्प. चिर्प मीन चहचहाना. अली रीचेस होम इन टाइम. अली घर पर, अली वक्त पर घर पहुँचता है. मुनीबा मेक्स टी. इट रेन्स. दे प्ले क्रिकेट एवरी डे. वी टेक एक्सरसाइज इन द गार्डन. ही पॉलिशेस हिज शूज. अपने जूतों को पॉलिश करता है. डियर स्टूडेंट्स, यू हैव टू प्रैक्टिस योर वर्क केयरफुली एंड यू हैव टू डू योर वर्क ऑन रेगुलर बेसिस. इफ़ यू हैव द प्रॉब्लम, इफ़ यू फील एनी काइंड ऑफ द एंगजाइटी, कन्फ्यूजन, यू कैन आस्क मी बाई कमेंटिंग इन द गूगल क्लास रूम. एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर लव वन. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.